यशदीप से शादी करने जा रही हैं अनुपमा। देखने लायक होगा अनुपमा सीरियल का ट्विस्ट। जी हाँ, टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में अनुज कपाड़िया को एक भारी भरकम कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। सीरियल में आगे अनुपमा के लिए कुछ खुशियां और कुछ गम आएंगे। उसे पता चलेगा कि भारतीयों के द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही ट्रोलिंग के बाद सुपरस्टार शेफ के मेकर्स ने उसे फिर से शो में वापस लाने का फैसला किया है। उसे जब ये पता चलेगा कि उसे जिंदगी ने एक और मौका दिया है तो अनुपमा बहुत खुश हो जाएगी। अनुपमा इस खुशी को सेलिब्रेट करने का फैसला करेगी और वो घर पर ही एक टेस्टी डिश तैयार कर इस दिन का जश्न मनाएगी। अनुपमा जब खुशी में झूमते हुए अपने लिए हलवा तैयार कर रही होगी तभी वहां पर अनुज कपाड़िया आ जाएगा और अपनी एक्स वाइफ को यूं खुशी से झूमता हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अनुपमा तो बहुत मायूस थी। वह अचानक इतनी खुश क्यों है वो समझ नहीं सकेगा। पहले उसे लगेगा कि बात उससे जुड़ी है, लेकिन फिर उसे सच पता चलेगा। अनुपमा उसे बताएगी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो बात यह है कि जिंदगी ने मुझे तीसरा मौका दिया है। अनुपमा कहेगी कि मैं इस मौके के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अनुपमा एक तरफ जहां आध्या को पहली बार काबू करने में कामयाब होने की खुशी मना रही है तो वहीं दूसरी तरफ शो में मौका मिलने की। लेकिन अनुज कपाड़िया को लगेगा कि अनुपमा को जिंदगी में मिला ये तीसरा मौका असल में यशदीप ढिल्लो के साथ शादी का है, जिसे लेकर अनुज कपाड़िया का चेहरा उतर जाएगा। वो अनुपमा और उसकी यशदीप के साथ शुरू होने जा रही जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देना शुरू कर देगा। इससे पहले कि अनुज कपाड़िया आगे कुछ कहे, अनुपमा उसे टोक देगी। वो कहेगी कि बस कीजिए, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं आप। यशदीप सर सिर्फ मेरे बॉस हैं। आपको बता दें कि और भी बहुत कुछ ड्रामा और ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं सीरियल में।